और आज ये सेशन इसीलिए किया गया है ताकि हम आपको क्लियरली ये चीजें मेंशन कर सकें, ठीक है? तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं जानता हूं, इस बात का मुझे बहुत दुख है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के अब बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें ज्यादा फीस पे करनी पड़ी है, हमारा उससे कहीं ज्यादा नुकसान। आप जो फीस पे कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो, हम उसमें कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा टाइम हमारा लग चुका है। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे को आपको सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर सकते हैं कि हम आउट ऑफ द वे भी जाते हैं स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। जाते हैं कुलविंदर जी की नहीं जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाते गुरजीत हैं। भी बता सकती हैं ये बात, ठीक थैंक यू है? सर। तो पूरी कोशिश हमारी होती है कि हम आपको सपोर्ट करें। आज के लाइव सेशन में आप सीख पाएंगे कि आईटा रिकॉग्निशन आपने कैसे लेना है अपडेटेड चेंजेस के साथ। जी हाँ, जितने भी लेटेस्ट चेंजेस हैं जिसके अंदर आपसे दो सर्टिफिकेट मांगे जा रहे हैं और साथ में एंडोर्समेंट लेटर मांगा जा रहा है, वो अब आपको कैसे मिलेगा, एग्जाम में क्या चेंज हुआ है, ये सारा कुछ आज आप इस लाइव क्लास में सीख पाएंगे और अपने सवालों के जवाब भी ले पाएंगे। ऑप्शनल क्लास है, एक बार दोबारा से बोल रहा हूं, ठीक है? ऑब्जेक्टिव ये है कि आईटा रिकॉग्निशन कैसे मिलता है, ठीक है? आप में से ज्यादातर लोगों को मालूम है, आप में से कई लोग इसके प्रोसेस के अंदर फंस चुके हैं, फंसे हुए हैं, ठीक है? आपने प्रोसेस स्टार्ट किया और प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ, ठीक है? तो सबसे पहले मैं वहीं से ही स्टार्ट करता हूँ, ठीक है? कि आज से 2 महीने पहले तक, 1.5 महीने पहले तक ध्यान से सीखिएगा, फिर अपने जो आप लोगों के सवाल हो जरूर पूछिएगा, ठीक है? आज से 1.5 महीने पहले तक जब हम आईटा अप्लाई करते थे तो हमारे को सिर्फ एक GDS का बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए होता था, ठीक है? उस एक सिंगल GDS बेसिक सर्टिफिकेट के बेसिस पर हमारे कई स्टूडेंट्स ने आईटा रिकॉग्निशन लिया है, ठीक है? ये हजारों को मालूम है, हमारे स्टूडेंट्स को मालूम है अच्छी तरह से, इसके टेस्टिमोनियल्स अवेलेबल हैं, इसको जब जहां कोई कहे हम वहां इस बात को प्रूव कर सकते हैं, ठीक है? तो ये तब तक बिल्कुल ठीक चल रहा था जब तक सिर्फ एक GDS का बेसिक सर्टिफिकेट चाहिए होता था, ठीक है? GDS का बेसिक सर्टिफिकेट दो कंपनीज देती हैं मेजरली, ठीक है? एक अमेडियस और दूसरा गैलीली, ठीक है? तो जैसे कि हम लोग ये सर्टिफिकेट देते थे, जिसको भी हमने ये सर्टिफिकेट दिया उसने उसको कॉपी कर लिया, ठीक है? और बिल्कुल एग्जैक्टली उसको कॉपी कर लिया, जैसे कि नकली नोट बनते हैं, ठीक है? और किसी और ने भी अपना आईटा अप्लाई किया, ठीक है? जब ये होने लगा तो हम ही लोग थे ये कंप्लेंट करने वाले कि नकली सर्टिफिकेट के बेसिस पर भी आईटा मिल रहा है। तब आईटा ने कहा कि ठीक है, हम इसको ठीक कर देते हैं, जो कोई भी सर्टिफिकेट लगाएगा प्रेजेंट करेगा वो अथॉन्टिकेशन लेटर, जिसे एंडोर्स कहा जाता है, वो भी प्रेजेंट करेगा। अगर वो एंडोर्समेंट लेटर नहीं दे रहा है तो हम उस सर्टिफिकेट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है? अब जब ये होने लगा तो दो चेंजेस हुए, समझिए। पहली बात तो ये कि जब आप ये कह रहे हो कि एंडोर्समेंट लेटर चाहिए है, तो एंडोर्समेंट लेटर क्या हमारे को सर्टिफिकेट के साथ मिलेगा? आर वी गोइंग टू गेट एंडोर्समेंट लेटर अलोंग विद द सर्टिफिकेट? नहीं, कोई भी GDS ऑथेंटिकेशन लेटर सर्टिफिकेट के साथ नहीं दे रहा है, ठीक है? और ये चीज पहले से इन्फॉर्म की गई थी कि प्रोसेस स्टार्ट किया जाएगा, ठीक? जब प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा उसके बाद जब आईटा स्पेसिफिकली आपकी कंपनी का नाम लिखकर मांगेगी कि हाँ आप ऑथेंटिकेशन लेटर दीजिए, तो ऑथेंटिकेशन लेटर मिलेगा। गैलीलियो ने कहा कि जिसको भी चाहिए है ऑथेंटिकेशन लेटर वो इंस्टीट्यूट से लेगा, ठीक है? और हमने आप में से बहुतों को दिलवाए हैं जिन्होंने उस ऑथेंटिकेशन के बेसिस के ऊपर अप्लाई भी किया, ठीक है? जैसे आर्या ने किया और भी कई हैं, ठीक है? ऑथेंटिकेशन लेटर सबको मिले भी हैं, ओके? अमेडियस ने कहा कि ऑथेंटिकेशन लेटर स्टूडेंट खुद हमारे से लेगा,
हम इंस्टीट्यूट देंगे स्टूडेंट को, जो आपने सर्टिफिकेट दिया है वो जेन्युइन है, वो सर्टिफिकेट लेकर हमारे पास आ जाए, हमारे को ईमेल कर दे, हमारे को जो कुछ मर्जी कर दे, हम स्टूडेंट को डायरेक्टली देंगे, ठीक है। बट ऑन द बेसिस ऑफ आर ओन एक्सपीरियंस, क्योंकि स्टूडेंट के साथ हमने काफी कोऑर्डिनेट किया, तो इवेंचुअली बात ये समझ में आ गई कि अमेडियस ने किसी को भी ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दिया। अमेडियस ने ये बात जरूर क्लियर की कि हाँ आपका कोर्स वैलिड है, आपका सर्टिफिकेट वैलिड है, बट ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे रहे हम, किसी को भी नहीं दे रहे। अमेडियस ने ये बात आईटा को भी बोल दी कि हम ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे रहे, ठीक है। जब अमेडियस ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे रहा है तो फिर हमें अमेडियस सीखने का क्या फायदा हो? अब यहां पर सवाल यही है, ठीक है, कि अगर हमारे को अमेडियस ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे रहा है तो फिर हम आईटा, हम एयर टिकटिंग अमेडियस के ऊपर क्यों सीखें, ठीक है। तो यहां सर, बट व्हाई इजंट इट गिविंग द लेटर? पार्डन, व्हाई इजंट इट गिविंग द लेटर? व्हाई इज इट हेल्प? ये भी बताता हूं मैं, आप आई विल आंसर यू दिस ऑल्सो, बट लेट मी फर्स्ट कंप्लीट दिस पार्ट, ठीक है। तो फिर अमेडियस सीखने का फायदा क्या है, ठीक है, लेट मी टेल यू, अमेडियस आज भी नंबर वन जीडीएस है, सबसे इजी है सीखना, ठीक है। पूरे वर्ल्ड के अंदर अगर परसेंटेज देखें तो वो अमेडियस की है, ठीक है। सबसे ज्यादा एयरलाइंस हमें इजीली अगर मिलती हैं तो अमेडियस के साथ मिलती हैं, रिलायबिलिटी ज्यादा है, ठीक है। बट क्योंकि अमेडियस ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे रहा था, तो उन स्टूडेंट्स को जिन्हों के पास अमेडियस का भी सर्टिफिकेट था, उन्हें गैलीलियो भी करना पड़ा, ठीक है। इसीलिए हमने अपने 3 मंथ वाले कोर्स के अंदर गैलीलियो को भी इंक्लूड कर दिया बिना कोई फीस इंक्रीज किए, ठीक है, कि जो अमेडियस पास कर लेगा वो गैलीलियो भी कभी एग्जाम देगा, उसको गैलीलियो का भी मिल जाएगा, ठीक है। तो सीखने के लिए अगर आज भी मैं कहूं तो सबसे बेटर जो है वो अमेडियस है, यूजर फ्रेंडली है और सपोर्ट करता है अच्छी तरह से, एयरलाइन सबसे ज्यादा है, ठीक है। बट गैलीलियो आपको मेल आराम से जाता है, सर्टिफिकेट आराम से मिल जाता है, और ऑथेंटिकेशन लेटर मिलने की वजह से आप उसके बेसिस पर आईटा भी आराम से ले पाते, ठीक है। तो इसीलिए गैलीलियो को भी करना जरूरी हो गया, ठीक है। अब कोई ये चूज करता है कि मेरे को सिर्फ गैलीलियो करना है, तो वो सिर्फ गैलीलियो कर सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकता, पर गैलीलियो के अंदर बहुत सारी चीजें नहीं भी सिखाई जा सकती, कुछ ऐसी चीजें हैं जिसकी एडवांटेजेस अमेडियस के अंदर है और वो गैलीलियो में नहीं सिखाई जा सकती, ठीक है। अब जैसे कि आपने सवाल पूछा कि अमेडियस ने ऑथेंटिकेशन लेटर देने से क्यों मना किया, ठीक है, तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को अमेडियस के बारे में बता देता हूँ। अमेडियस एक ऐसी कंपनी है जो 4 एयरलाइंस का कॉम्बिनेशन है, लुफ्थांसा, KLM, एयर फ्रांस, ब्रिटिश एयरवेज, ठीक है, ये सब यूरोपियन एयरलाइंस हैं। इन्होंने मिलकर अमेडियस क्रिएट किया था और इवेंचुअली अमेडियस एक आईटी कंपनी में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, एक अलग वर्टिकल बन गया। जब से ये अलग वर्टिकल बन गया तब से क्या कहते हैं, ये स्पेन के अंदर, दे आर लोकेटेड इन स्पेन, तो इंडिया के अंदर इन्हें जो रिप्रेजेंट करते थे, इंडिया के अंदर जो इनको रिप्रेजेंट करते थे, उनके साथ कुछ चीजें चेंज होने की वजह से इन्होंने इंडिया को जो रिप्रेजेंट करते थे उन्हें ऑथेंटिकेशन देने से मना किया। जब आप सर्टिफिकेट कर रहे हो तो हम आपको जब पढ़ा रहे हैं अमेडियस, हम आपको वही अमेडियस पढ़ा रहे हैं जो डायरेक्ट हमारे पास स्पेन से है, पर जो सर्टिफिकेशन है, क्योंकि आपकी लोकेशन इंडिया है तो लोकेशन के हिसाब से आपका सर्टिफिकेट इंडिया का, राइट, तो ऑथेंटिकेशन नहीं हो पा रही है, ठीक है। अब ऑथेंटिकेशन अगर नहीं हो पा रही है तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको गैलीलियो भी करना पड़ेगा, और गैलीलियो का सबसे सस्ता कोर्स जो होता था उसके बेसिस पर स्टूडेंट्स
अपना ऑथेंटिक अपना डीबीएस का सर्टिफिकेट ले रहे थे और ऑथेंटिकेशन मिलती थी और अपना आईटा अप्लाई कर रहे थे और आईटा ले रहे थे, ठीक है। अब इन्होंने एक सर्टिफिकेट से दो सर्टिफिकेट कर दिए, ठीक है ना। आईटा का रूल आया कि आप एक सर्टिफिकेट नहीं लगाएंगे, आप दो सर्टिफिकेट लगाएंगे, ठीक है। जिन लोगों ने तब तक आईटा अप्लाई नहीं किया था, ठीक है, और रिसेंटली किया, मतलब रिसेंटली जिन्होंने अभी हमारे से एडमिशन लिया था और रिसेंटली ये चेंज हुआ, उन लोगों की कुछ फीस हमने एब्जॉर्ब की, ठीक है, ताकि उनों के लिए ज्यादा एक्सपेंसिव ना हो, ठीक है। पर जो उससे भी ज्यादा डिले चल रहे थे या उससे भी ज्यादा लेट चल रहे थे, जिन्हों को सर्टिफिकेट एक काफी दिन पहले मिल चुका था पर वो अपने रीजंस की वजह से अप्लाई नहीं कर रहे थे, तो उन्हें दूसरे सर्टिफिकेट के लिए फुल फीस ही पे करनी पड़ी, ठीक है। तो कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने दो सर्टिफिकेट ले लिए, ठीक है, पर वो दो सर्टिफिकेट लेने के बाद भी उनका प्रोसेस इतना स्लो रहा कि तब तक एक और चेंज आ गया। अब ये चेंज ये आया कि बेसिक सर्टिफिकेट नहीं, एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट। जिन लोगों का तब तक एग्जाम नहीं हुआ था उनों के लिए हमने उसी फीस के अंदर एयर टिकटिंग को भी इंक्लूड किया, जिनका हो चुका था उनके लिए हमने नहीं किया, क्योंकि वो अपने भी रीजन से डिले चल रहे थे, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स थे जिन्होंने टाइम पर सर्टिफिकेट लिए, आईटा अप्लाई किया और पुराने रूल के अकॉर्डिंगली तब तक आईटा ले भी लिया था, ठीक है। अब फिलहाल क्या सिचुएशन है? फिलहाल सिचुएशन ये है कि समझिएगा इस बात को, ठीक है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर क्लास। और जब आप लोग किसी भी क्लास के अंदर लेट आते हैं तो आप अपना ही नुकसान करते हैं, ठीक है। अगर एक चीज समझाई जा चुकी है तो आप ही ने उसको मिस किया, वट एवर। अब समझिएगा इस बात को, आईटा ये कह रहा है कि अगर आपको आईटा रिकग्निशन चाहिए है तो आपकी कंपनी में, जो भी कंपनी अप्लाई करती है, आईटा रिकग्निशन इंडिविजुअल अप्लाई नहीं करता है, आईटा एक कंपनी एम्प्लॉय अप्लाई करती है, जो भी कंपनी आईटा अप्लाई कर रही है उस कंपनी के पास दो लोग होने चाहिए हैं जिनको एयर टिकटिंग करनी आती हो, तो एयर टिकटिंग करनी आती है। अगर उनको एयर टिकटिंग करनी नहीं आती है, वो दोनों के दोनों ओनर हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों एम्प्लॉय हो सकते हैं, वो दोनों के दोनों रिलेटिव्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, पर उस कंपनी के अंदर दो लोग काम करने वाले होने चाहिए हैं जिन्हों को एयर टिकटिंग करनी आनी चाहिए। तो जो ये लेना चाहता है वो हमें कहता है कि आप हमें एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट दे दीजिए। एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट हम किसी भी ऐसे स्टूडेंट को नहीं दे सकते हैं जिसने GDS बेसिक नहीं किया है। ये लेवल है, मतलब कहने का ये है कि पहले तो कह रहे थे कि आपने 10th की हुई है तो आपको हम कॉलेज में एडमिशन दे देंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं कि आपने 12th की हुई है तो देंगे। तो आपने अगर 10th नहीं की तो आप क्या सीधा 12th में एडमिशन ले सकते हो क्या? पहले 10th तो पास करोगे। तो GDS बेसिक की वैल्यू अभी तक वहीं की वहीं है, ठीक है। GDS बेसिक के बेसिस पे जिन लोगों ने अप्लाई किया हुआ है, ठीक है, उन्हों के पास ईमेल आया आईटा का कि आप अपने एयर टिकटिंग सर्टिफिकेट का ऑथेंटिकेशन लेटर दीजिए, ठीक है। अब वो आईटा जो आपसे ऑथेंटिकेशन लेटर मांग रहा है वो एयर टिकटिंग के सर्टिफिकेट का मांग रहा है। आपके पास सर्टिफिकेट GDS बेसिक का है तो हम आपको ऑथेंटिकेशन लेटर नहीं दे सकते जब तक आप एयर टिकटिंग नहीं करें, ठीक है। और एयर टिकटिंग का कोर्स में कोई भी एडमिशन तब तक नहीं ले सकता है जब तक वो GDS बेसिक नहीं क्लियर कर लेता है। अब क्योंकि जिसको आईटा लेना होता है उसको इतनी जल्दी होती है
कि वो ये कहता है कि मैं दोनों चीजें एक साथ करूं। तो यहां पर एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बता देता हूं। अगर आप ये कहते हो कि मैं दोनों चीजें एक साथ करूंगा, दोनों के एग्जाम एक साथ दूंगा, ठीक है, अगर आपका जीडीएस बेसिक पास नहीं होता है, आपने एयर टिकटिंग की भी फीस पे की हुई है, हम आपको एयर टिकटिंग का एग्जाम तब तक नहीं देने दे सकते जब तक आप बेसिक पास नहीं कर लेंगे। तो बेटर तरीका क्या है? बेटर तरीका यह है कि हर एक कोई पहले जीडीएस बेसिक दे, जिनका बेसिक ही है, जब बेसिक क्लियर हो जाए उसके कुछ दिनों के बाद अपना एयर टिकटिंग का दे। जब आप एयर टिकटिंग का दे रहे हैं तो भी आप फेल हो सकते हैं, तो भी आप फेल हो सकते हैं। अब आप कह रहे हैं कि फेल क्यों हो जाएंगे, आप पढ़ा तो रहे हो, तो मैं इस बात का जवाब देना चाहता हूं, ठीक है। अगर आप सच में पढ़ें, ठीक है, अगर आप रियलिटी में पढ़ना चाहते हैं, प्रॉपरली लाइव क्लासेस लें या इंस्टीट्यूट में आए, तो जो एयर टिकटिंग का कोर्स है वो एक सिंगल स्टूडेंट के लिए 60,000 रुपीज कॉस्ट करता है, जिसके अंदर फैकल्टी इंश्योर करता है कि जो स्टूडेंट बैठा हुआ है वो पढ़ रहा है और वो अगले स्टेप पर तब जा रहा है जब उसका पहला स्टेप क्लियर हो गया है। बट पढ़ना नहीं चाह रहे हैं स्टूडेंट, ये चाह रहे हैं कि सर्टिफिकेट मिल जाए। अब सर्टिफिकेट मिलने के लिए भी पढ़ना तो पड़ेगा, तो उसके लिए आपको नोट्स मिलते हैं और आपको सैंपल पेपर मिलता है। वो सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करके आप एग्जाम, हम भी फेल होते हैं, मैं आपको बता दूं ये बात, ठीक है। अभी रिसेंटली वन ऑफ द फैकल्टी ऑल्सो फेल्ड इन द एयर टिकटिंग एग्जाम, मैं सीधा सीधा बोल रहा हूँ आपको ये बात, ठीक है। तो आप सैंपल पेपर को प्रैक्टिस करके जब अपना आंसर्स देते हो तो 90% चांसेस होते हैं कि आप पास हो जाते, पर 10% चांसेस होते हैं कि आप फेल। अभी गुरजीत की डॉटर ने एडमिशन लिया, गुरजीत इस क्लास के अंदर है, वो पास हो गई, हो गई पास, सर्टिफिकेट आ गया गुरजीत। हाँ जी सर, थैंक यू। तो सर्टिफिकेट भी आ गया, राइट, बट उन्हीं के साथ कुलविंदर ने दिया, कुलविंदर पास नहीं हुई, ठीक है। यहां पर मैं आपको यह भी बता दूं कि दोनों ने सेम कोर्स किया हुआ है, दोनों ने सेम प्रोसेस फॉलो किया हुआ है, दोनों के आंसर्स भी लगभग सेम थे। अब आप समझ रहे हो, इस बात को समझने की कोशिश करो आप, ठीक है। तो अगर आप पास नहीं होते हो तो हम आपका री एग्जामिनेशन देते हैं। पहले री एग्जामिनेशन देने के लिए पूरी की पूरी फीस पूरी देनी पड़ती थी, दोबारा देनी पड़ती, ठीक है। अब री एग्जामिनेशन की फीस को भी हम रिड्यूस करके आप लोगों को इन्फॉर्म करेंगे कि हाँ जी, अगर किसी कारण से आप पास नहीं होते हो तो री एग्जामिनेशन फीस आप पे करोगे, जो कोशिश की जा रही है कि बहुत ही नॉमिनल रखी जाए, ठीक है। और फिर आप ये एग्जाम क्लियर करते हैं, फिर आप एयर टिकटिंग वाले सर्टिफिकेट अपलोड करते हैं, जीडीएस बेसिक वाला नहीं। जीडीएस बेसिक तो लेना ही लेना है, आपने जीडीएस बेसिक एक साल पहले किया था तो वो भी आज आपको काम आ रहा है। वो आपको इसलिए काम आ रहा है क्योंकि उसको बाद ही आप एयर टिकटिंग कर सकते हो, राइट। अब आप एयर टिकटिंग करते हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास, दो सर्टिफिकेट आपके पास आ जाते हैं, आप उन दोनों सर्टिफिकेट्स को अपलोड करते हो, ठीक है। फिर आपकी कंपनी के नाम से ईमेल आती है आईटा से कि आप इसका एंडोर्समेंट लेटर दीजिए। एंडोर्समेंट लेटर के लिए आप हमारे को भेजते हो और हम आपको एंडोर्समेंट लेटर 3 दिन से 15 दिन के अंदर देते हैं। मैं पहले से बता रहा हूं आपको, इसमें अगर आप पहली बार ही इंफॉर्मेशन बिल्कुल करेक्ट भेज रहे हो तो 3 दिन के अंदर भी आ सकता है, नहीं तो इसमें 15 दिन भी लग सकते हैं, और ये वर्किंग डेज की बात हो रही है, ठीक है। आपके पास एंडोर्समेंट लेटर आ जाता है और आप उसको अपलोड कर देते हो, आईटा आपको इनवॉइस भेजता है कि आपने इतने पैसे देने हैं और आप अब आईटा की फीस पे कीजिए और रिकॉग्निशन ले लीजिए, ठीक है। तो आप आईटा रिकॉग्नाइज हो जाते हो, ये प्रोसेस है। आईटा रिकॉग्नाइज होने के फायदे सबको हैं, जो भी अपने आप को ये कह रहा है कि मैं ट्रैवल के अंदर हूं, उन सब के लिए आईटा रिकॉग्निशन होने के बहुत फायदे हैं, इस बात को याद रखना। अदरवाइज पूरे दुनिया के अंदर
और कोई तरीका नहीं है अपने आप को एक सस्टेन एक स्टेब्लिश्ड ट्रैवल एजेंट बताने का अगर आप करोड़ों रुपए नहीं खर्च कर। या तो आप 100 करोड़ रुपए का बजट लेकर आप बैठे हो, ठीक है, और आप अप्लाई करो, मतलब अपनी इतनी ज्यादा मार्केटिंग करो कि हम आपको बिलीव कर लें कि आप ट्रैवल एजेंट हैं, अदरवाइज आपको आईटा रिकॉग्निशन ही लेना होता है, ठीक है। अब समझिए इस बात को कि ये रूल जब चेंज होता है तो ये पता कैसे चलता है और ये इस बात की क्या श्योरिटी है कि क्या आईटा एयर टिकटिंग का ही सर्टिफिकेट मांग रहा है। तो ये रूल आप लोगों की आंखों के सामने है, ये कोई हमारा बनाया हुआ रूल नहीं है, ये आईटा चेंज करता है। आईटा अगर चेंज करेगा तो हम आपको उस रूल को फॉलो करने के लिए गाइड कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं ऑनेस्टली, पर हम आईटा को चैलेंज नहीं, कोई भी नहीं कर सकता, हमारा क्या, कोई भी नहीं कर सकता कि नहीं आप इस रूल को चेंज कर दीजिए। मैं पूरा भी करके दिखा सकता हूं आपके सामने और आप में से कई लोग ये सब कुछ देख चुके हैं, हमारी कई वीडियोस के अंदर पहले भी है, ठीक है, जो YouTube पर अवेलेबल है, ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हम यहाँ पर आईटा के इस पेज पर पहुंचते हैं और यहाँ पर कंट्री रिक्वायरमेंट को हम क्लिक करते हैं तो ये PDF खुलता है। तो ये आईटा का PDF खुलता है, आईटा ऑनलाइन एजेंसी एक्रेडिशन कंट्री रिक्वायरमेंट, कंट्री पहले से इंडिया चूज की हुई है। यहां पर देखिए आप, यहां पर पहले से इंडिया मैंने चूज किया हुआ है, ये आप कैसे करेंगे मैं अभी आपको करके दिखा दूंगा, ठीक है, जबकि ये कुछ मुश्किल नहीं है, राइट। अब जो रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट को आप समझिए, सबसे पहले मैं आपको सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट समझा रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर आप देख सकते हैं पर्सनल सर्टिफिकेट, ठीक है, टू, ये टू हो गए, राइट, कॉम्पिटेंट एंड क्वालिफाइड एम्प्लॉइज हु हैव सक्सेसफुली कंप्लीटेड अ रिकॉग्नाइज्ड एयरलाइन टिकटिंग कोर्स आर रिक्वायर्ड। अ रिकॉग्नाइज्ड कोर्स इंक्लूड्स आईटा मेंबर एयरलाइन, मतलब कि या तो कोई आईटा की एयरलाइन आपको ये सर्टिफिकेट दे दे, आप आईटा की एयरलाइन अगर आपको सर्टिफिकेट दे रही है आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई जरूरी नहीं आप हमारे से ले, बिल्कुल ले सकते हैं उनसे, ठीक है, पर मेरी नॉलेज में तो कोई देती नहीं, ओके। GDS कोर्स इन एयरलाइन टिकटिंग वो हम देते हैं, ठीक है, पहले यहां पर GDS लिखा होता था सिर्फ, अब GDS कोर्स इन एयरलाइन टिकटिंग हो गया, तो ये हम करवा रहे हैं। इसको करने का प्री रिक्विजिट है कि आपको GDS बेसिक भी आपने किया हुआ, ठीक है, अदरवाइज आईटा भी एयरलाइन टिकटिंग का कोर्स करवाता है। जी हाँ, इसी आईटा की साइट से आप एयर टिकटिंग का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो आईटा की साइट पर अगर आप जाएंगे तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, मैं आपको खोल के दिखा देता हूं, ठीक है, तो वहां से आप खुद भी कर सकते, IATA.org है, राइट, इधर अगर आप जाएंगे तो क्या कहते हैं ट्रेनिंग, ट्रेनिंग में जाके आप कोर्सेज को ढूंढेंगे तो आपको गैलीलियो का और अमेडियस का कोर्स मिल जाएगा, होगा वो भी गैलीलियो का ही कोर्स, ठीक है, और एज पर माय अंडरस्टैंडिंग आईटा की फीस कहीं ज्यादा, आईटा इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव, तो वो आपसे फीस काफी ज्यादा चार्ज करता है, इसीलिए स्टूडेंट्स जो हैं स्मॉल इंस्टीट्यूट्स के पास आते हैं जो थोड़ी कम फीस चार्ज करते हैं और जो थोड़ी हैंड होल्डिंग करते हैं, ठीक है, कि हाँ अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा तो हैंड होल्डिंग कर रहे हैं, बता रहे हैं, कहीं सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ये प्रोसेस है, सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है, फीस क्या होती है आईटा की वो आपने डायरेक्टली पे करनी है, वो सब आईटा की साइट पे दिया गया है और बिल्कुल ऑनेस्टली वो हम आप लोगों को दिखाते हैं, ठीक है, और हमारी कई वीडियोस के अंदर ये पहले भी दिखाया गया, ऐसा नहीं है कि ये सारे के सारे डॉक्यूमेंट मैंने आपकी क्लास शुरू होने से पहले आईटा की साइट से लेटेस्ट डाउनलोड किए हैं ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, राइट। तो यहाँ पर इन्होंने प्रोसेस बताया हुआ है कि हाँ आपको आईटा कैसे लेना है, ठीक है, जो कि हम आपको थोड़ा इजी ढंग से बताते हैं और फीस दिखा देता हूँ, इसका डॉक्यूमेंट भी मैं आपको दिखा देता हूँ।
क्योंकि मैंने पहले से लॉग इन किया हुआ था, तो अब लॉग आउट हो चुका होगा, तो मैं दोबारा से लॉग इन कर देता हूँ। राइट, तो इस ढंग से आप अपना साइन अप पहले क्रिएट करते हैं, और अपना साइन अप क्रिएट करने के बाद आप लॉगिन कर लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं इस वक्त लॉगिन कर रहा हूं, आप यहां पर देख पा रहे होंगे। राइट, और इसके बाद हम एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर जाते हैं। ठीक है, एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर जाकर आप सारी इंफॉर्मेशन खुद चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ और वो चल रहा है। राइट, तो यहाँ पर हम अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी करते हैं। ठीक है, अगर आपने पहले से किया हुआ होगा तो वो नीचे दिखाएगा कि हाँ जी आपने पहले से किया हुआ है। ठीक है, अब यहां पर आप चेक करना चाहते हो कि आयटा गो लाइट की क्या फीस है, गो स्टैंडर्ड की क्या फीस है, या गो ग्लोबल की क्या फीस है, तो हम यहां पर क्लिक कर लेते। तो जब हम यहां पर क्लिक करते हैं तो ये आपको बोलता है कि आप कंट्री अपनी चूज कर लो। तो यहां पर मैंने इंडिया चूज किया हुआ है, तो इस इधर से मैं कंटिन्यू करता हूं और ऑल को मैं क्लिक करके इस एरो को टिक कर देता हूं और कंटिन्यू कर लेता हूं। तो ये हमारे को तीनों ऑप्शंस बता देते हैं कि अगर आप आयटा गो लाइट के लिए जा रहे हो तो 250 स्विस फ्रैंक आपको फीस पे करनी है, आयटा गो स्टैंडर्ड 1500 स्विस फ्रैंक, ये 1500 है। ठीक है, और अगर गो ग्लोबल कर रहे हैं तो 2500 स्विस फ्रैंक। ठीक है, यहां पर मैं आपको ये भी बता दूं कि ये बेसिक फीस है। ठीक है, इसके अलावा आपकी कंपनी आपकी लोकेशन के अकॉर्डिंगली इनवॉइस आएगा, वो इनवॉइस जितना आएगा उसमें कुछ चार्जेस को कम कराया जा सकता है। जब वो आपके पास आएगा तो आप हमारी उसमें गाइडेंस ले सकते हैं। तो कई बार उसमें 150-200 डॉलर कम हो जाते हैं, कई बार नहीं भी होंगे, ये भी मैं आपको बता दूं। तो हम आपको जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो बिल्कुल जो अपडेटेड है वो दिखा रहे हैं। ठीक है, और इसका प्रोसेस सिंपली मैं आपको साफ साफ बता दूं कि आयटा लेने के लिए हम आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट नहीं कर रहे हैं। आप हमारे साथ सिर्फ इसलिए हैं क्योंकि आपको एक जेन्युइन सर्टिफिकेट चाहिए। जेन्युइन सर्टिफिकेट हम आपको दे रहे हैं, जेन्युइन सर्टिफिकेट आपको कम से कम फीस में तब मिलता है क्योंकि आप सिर्फ नोट्स और सैंपल पेपर के बेसिस पर एग्जाम देना चाह रहे हैं या प्री रिकॉर्डेड क्लासेस के बेसिस पर। ठीक है, जहां पर डेडिकेटेड ट्रेनर इन्वॉल्व नहीं है वहां पर ट्रेनिंग की कॉस्ट ऑब्वियसली कम होगी, डेडिकेटेड ट्रेनर इन्वॉल्व होगा वहां पर ट्रेनिंग की कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, तो इसको इकोनॉमिकल करने के लिए प्री रिकॉर्डेड क्लासेस की ऑप्शन आपको मिलती है। ठीक है, सो दैट इज व्हाई दिस कम्स आउट टू बी लिटिल चीप। बट ये भी मैं आपको बता दूं कि ये स्टार्ट हुआ था जब सिर्फ सिंगल एक सर्टिफिकेट होता था, तब ये स्टार्ट हुआ था 5000 रुपीज से, और अब ये पहुंचते पहुंचते 60,000 हो चुका है। हैरान मत होइएगा जब ये 1,00,000 रुपए पर पहुंच जाए, क्योंकि 60,000 के अंदर 4 सर्टिफिकेट मिल गए। जिन्होंने पहले से जीडीएस बेसिक लिया हुआ है उनको पूरे 60,000 नहीं पे करने, जिनके पास एक सिंगल जीडीएस बेसिक है तो अब उनके पास एक और कोई एम्प्लॉई या कोई उनकी कंपनी में काम करने वाला होना चाहिए है, उसके नाम पे भी जीडीएस बेसिक लेंगे और फिर उसके नाम पर भी एयरलाइन टिकटिंग का लेंगे। ठीक है, जब हम एग्जाम देते हैं, व्हेन वी गिव एग्जाम, क्योंकि ये कमांड बेस्ड है, ठीक है, एयर टिकटिंग पूरी की पूरी कमांड बेस्ड है, तो जब आप आंसर लिखते हो चाहे आप का क्वेश्चन मैच कर जाता है सैंपल पेपर से और वहां पर आंसर लिखा हुआ है, पर अगर आप लिखने में स्पेस की गलती कर देते हो तो वो आंसर भी गलत माना जाता है। और यही गलती फैकल्टी भी कर सकता है, मैं भी कर सकता हूं, आप भी कर सकते हैं। ठीक है, 75% वाला पास होता है,
तकरीबन 50 क्वेश्चंस होते हैं, 40 भी हो सकते हैं, 60 भी हो सकते हैं, ठीक है। हम आपको जो सैंपल पेपर देते हैं उसके अंदर हमने शायद आपको 70 या 80 सैंपल पेपर दिए हैं, ठीक है। सैंपल पेपर बनाने का मकसद यही होता है कि 90% क्वेश्चंस उसमें से हों। तो अगर 90% क्वेश्चंस उसमें से हैं और आप उनको देखकर और थोड़ी जो आपने पढ़ाई की है, मेहनत की है, उसके बेसिस पर जब आप एग्जाम देते हैं तो आपके पास होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। यहां पर मैं क्लियरली बता रहा हूं आपको, ठीक है। आईटा के रूल्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। हम आपको जो प्रॉमिस कर रहे हैं एक जेन्युइन सर्टिफिकेट, हमारा सर्टिफिकेट कभी नकली नहीं होगा, ये हम प्रॉमिस कर सकते हैं। जब आप आईटा अप्लाई कर रहे हो आपको दिक्कत आएगी, उसके अंदर हम पूरी सपोर्ट कर सकते हैं। अगर डिले होगा तो डिले को हम कोशिश कर सकते हैं कि उतना ज्यादा डिले ना हो, पर उससे भी हम पूरा का पूरा खत्म नहीं कर सकते। तो इन चीजों को अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अदरवाइज आपको जोन सा तरीका ठीक लगता है वैसे कर सकते हैं। इस बात को याद रखना, आईटा रिकॉग्निशन लेने का जो प्रोसेस है उसके लिए हम किसी कोई फीस नहीं ले रहे हैं, ना ही आज तक ली है और ना ही कभी लेंगे। अगर आप फीस पे कर रहे हो तो आप जो कोर्स कर रहे हो और जो सर्टिफिकेशन ले रहे हो उसकी, सर्टिफिकेशन की फीस नहीं आप पे कर रहे हो, आप कोर्स की और एग्जाम की पे कर रहे हो। सर्टिफिकेशन आप अर्न करते हो जब आप पास होते हो, ठीक है। सो दिस इज वेयर आई थिंक आई हैव मेड यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग कि आईटा से रिलेटेड क्या चेंजेस हुए हैं, क्या कारण है कि कुछ चीजें डिले हो गई हैं, जो स्टूडेंट बीच में अड़ गए हैं उन्हें हम पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है। खुद का भी लॉस बेयर करके कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर टाइम तक आप सब लोगों को इन्फॉर्म किया गया था, ठीक है, कि ये लोएस्ट फीस अवेलेबल है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने उसको इग्नोर किया, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड तक ही तो करेंगे। अगर आप प्रोक्रेस्टिनेशन कर रहे हो तो हम मैनेजमेंट को कैसे बोलें कि हाँ 1.5 महीने पहले एग्जाम एडमिशन हुआ था, अब इसको उसका बेनिफिट दे दें, हम कैसे कर सकते हैं? ये तो सोचिए आप। और इसके अंदर इतना ज्यादा टाइम इन्वॉल्व होता है, जब आप लोग आईटा अप्लाई करना शुरू करते हो आपके पास एंडोर्समेंट की रिक्वेस्ट आती है और वो आपको 7 दिन देते हैं, ठीक है, कि 7 डेज के अंदर आप एंडोर्समेंट लेटर दीजिए। 90% टाइम 7 डेज में एंडोर्समेंट लेटर नहीं मिलता। स्टूडेंट कहता है कि मेरे पास रिक्वेस्ट आई हुई है आईटा की कि अगर आप 7 डेज में नहीं करोगे तो हम इसको खत्म कर देंगे। अरे भाई खत्म क्या कर देंगे, आपको दोबारा से केस ही तो जनरेट करना है। जैसे अभी मैंने आपके सामने वहां पर जाके आईटा एक्रेडिशन पे क्रिएट किया, वहां पर नीचे केस क्रिएट हो जाता है। अगर उस पीरियड के अंदर अंदर आप पूरा नहीं करते हो तो आप दोबारा से उसको स्टार्ट करो, उसके अंदर प्रॉब्लम क्या है? 10 मिनट ही तो एक्स्ट्रा लगेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन एलिजिबल हो जाते हो। अब मैं आ जाता हूं आपके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी पर। जीडीएस का सर्टिफिकेट बेसिक हो चाहे एयर टिकटिंग हो, वो वैलिड है, वैलिड रहेगा। एंडोर्समेंट लेटर 6 महीने तक वैलिड होता है। जब आपको एंडोर्समेंट लेटर मिल गया तो आप 6 महीने के अंदर अंदर आईटा अप्लाई कर दें और आईटा ले लें, ठीक है। अगर पहली बात तो ये कि हम आपको ये सजेस्ट करते हैं कि आप 1 महीने के अंदर अंदर कर लें। अगर आप 1 महीने के अंदर नहीं कर रहे तो 6 महीने का टाइम तो साफ साफ लिखा हुआ आ रहा है आईटा की साइट पर, उसको हम भी कैसे चेंज कर सकते हैं? अब 6 महीने के अंदर भी अगर आप नहीं करते हैं तो आप दोबारा से एंडोर्समेंट लेटर लेंगे। अगर हम आपको एक बार एंडोर्समेंट लेटर दे चुके हैं, अब आप हमें कहते हैं कि दोबारा से एंडोर्समेंट लेटर दीजिए, हम आपको मना नहीं कर सकते, पर हम आपको बहुत खुश होकर भी नहीं देने वाले। इस बात को समझिए आप, ठीक है, मना नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपका सर्टिफिकेट, आप एंडोर्समेंट लेटर मांग रहे हो, पर हमने जब एक प्रोसेस आपके लिए एक बार कर दिया, आप अपनी गलती से उसको कंप्लीट नहीं कर पाए तो हम दोबारा से उसके अंदर अगर टाइम लगाएंगे तो हमारे को कोई बहुत खुशी नहीं होने वाली, राइट? बिकॉज टाइम इज समथिंग वेरी वेरी प्रीशियस, राइट? तो ये प्रोसेस है, ठीक है। और मुझे बड़ी खुशी होगी कि आप लोगों के कोई भी सवाल हो, कोई किसी चीज को कॉन्ट्राडिक्ट करना चाहता हो, कोई
कोई हमारी कोई बुराई करना चाहता हो, कोई ये बोलना चाहता हो कि इसको लेके बहुत ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट हो गया है और आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो ये जो क्लास आज लग रही है ये सपोर्ट का ही पार्ट, नहीं तो 17 अक्टूबर को एग्जाम। तो अब मैं ये चाहता हूं कि 17 अक्टूबर और 18 अक्टूबर या मतलब दो अलग अलग एग्जाम दें, जिनों का जीडीएस बेसिक हो चुका है उनों का तो 17 अक्टूबर को सीधा एयर टिकटिंग का हो जाए, जिनों के दोनों होने हैं उनों के दोनों के एग्जाम में गैप हो, ताकि उनका बेसिक का पहले रिजल्ट आए और फिर वो एयर टिकटिंग वाले के लिए जाए। और आप पूरी फीस भी मत पे कीजिए, जब तक आपके पास बेसिक का रिजल्ट ही नहीं आ गया है आप एयर टिकटिंग के लिए फीस क्यों पे कर रहे हैं, मत कीजिए। सो दिस इज द चेंज यू वुड बी सीइंग ऑन आवर वेबसाइट ऑल्सो, कि हाँ कि आप पहले बेसिक का स्टेप कीजिए फिर एयर टिकटिंग का कीजिए। बट अगर किसी को बहुत जल्दी है तो वो उसकी मर्जी है, ठीक है, हम आपको सपोर्ट कर सकते हैं कि आप पास हो, हम पढ़ा सकते हैं, हम गाइड कर सकते हैं, पर एग्जाम आपने लिखना है। जब आप एग्जाम लिख रहे होते हैं तो कोई कैमरा ऑन करने की कंडीशन नहीं, ठीक है, बट आप अपने साथ तो ईमानदार रहेंगे, क्योंकि एग्जाम आप लिख रहे हैं, आपकी जगह एग्जाम हम नहीं लिख सकते, वी कैनॉट राइट एग्जाम ऑन योर बिहाफ। ऐसी सर्विस अवेलेबल है, मैं आपको ये भी बता दूं कि दुनिया बहुत बड़ी है, अगर आप ढूंढोगे तो आपको कुछ ऐसे एजेंट मिलेंगे जो ये कह रहे हैं कि आप 1 लाख रुपए 2 लाख रुपए दे दीजिए और सब भूल जाइए, आप हम आपके लिए एग्जाम भी देंगे, सब कुछ करेंगे, आईटा भी हम अप्लाई करेंगे, ये बिल्कुल कुछ लोग प्रोवाइड कर रहे हैं, मैं जानता हूं, ठीक है, बट अकॉर्डिंग टू मी ये बिल्कुल गलत प्रोसेस है। अगर आपको वो प्रोसेस ठीक लगता है बिल्कुल कर सकते हैं, वो लोग भी सर्टिफिकेट हमसे ही लेंगे, ये मैं आपको बता दूं, सर्टिफिकेट वो भी आपके नाम का, वो क्या कैसे करेंगे, नकली डॉक्यूमेंट दिखा कर लेंगे, बट वो आपका एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज समथिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड। आई होप मैंने आप लोगों को ठीक से समझा दिया है कि क्या प्रोसेस है, जो लोग पहले से कर रहे थे और थोड़ा स्लो चल रहे थे इसीलिए उनको ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए कोई कंफ्यूजिंग नहीं है, जीडीएस बेसिक का भी सर्टिफिकेट चाहिए, एयर टिकटिंग का भी चाहिए है, एंडोर्समेंट लेटर एयर टिकटिंग का मिलेगा, फिर आप आईटा अप्लाई करेंगे। अब उम्मीद ये की जा रही है कि आईटा जल्दी से कोई और चेंजेस नहीं करेगा, बट अगर आईटा और चेंजेस कर देता है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते, उसमें कोई भी कुछ नहीं कर सकता, राइट। सो हेयर आई वुड रेस्ट माई एक्सप्लेनेशन। सवाल शुरू करेंगे सबसे पहले लखविंदर सिंह जी का, बताइए लखविंदर जी क्या सवाल है। मेरे पास जो है जीडीएस बेसिक का तो एंडोर्समेंट मेरे को दे दिया गया था, लेकिन अभी जो जरूरत है वो मतलब एयर टिकटिंग की एंडोर्समेंट की जरूरत है, तो इसमें और दूसरा सर जो मैंने अभी दूसरा सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया, फीस तकरीबन 2600 पर दी थी, जो मतलब मैसेज आपकी तरफ से आए हुए थे, तो इसमें ये है कि क्या उसमें एयर टिकटिंग भी इन्वॉल्व है, जो मतलब जीडीएस बेसिक जो है सिर्फ बेसिक के लिए, जो सेकंड सर्टिफिकेट के लिए आपने अप्लाई किया जी, तो आपने सिर्फ जीडीएस बेसिक के लिए किया हुआ है, एयर टिकटिंग के लिए नहीं किया है। अच्छा, तो सर उसके लिए अलग से कुछ है? पहले जीडीएस बेसिक को ही पास होने दीजिए, उसके बाद एयर टिकटिंग की फीस पे करके एयर टिकटिंग वाला लीजिए, ठीक है। ओके सर। और सर पहले वाला क्वेश्चन जो, हाँ जी, जो पहले वाला क्वेश्चन है कि मेरे को अभी जीडीएस बेसिक का एंडोर्समेंट तो मिला हुआ है, कोई बात नहीं, अब उस एंडोर्समेंट लेटर की कोई वैल्यू नहीं। अच्छा, तो सर एयर टिकटिंग बेसिक का आईटा ने आपसे डिमांड कर लिया है एयर टिकटिंग का एंडोर्समेंट लेटर, तो बेसिक के एंडोर्समेंट लेटर की कोई अब वैल्यू नहीं है, पर आप ये जरूर कर सकते हो कि आप आईटा को रिक्वेस्ट करो कि मेरे पास पहले से मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट किया हुआ है, एंडोर्समेंट लेटर भी है एज एन एक्सेप्शन, इसी के बेसिस पर आप मेरे को आईटा रिकॉग्निशन दें। अगर वो कंसीडर कर लेते हैं तो अच्छी बात है, नहीं करेंगे तो प्रोसेस आपको मैंने समझा दिया, ट्राई जरूर करना चाहिए, यह मत सोचिएगा कि नहीं हम ट्राई करेंगे उन्होंने मना कर देना है, मैंने बड़े सारे एक्सेप्शन देखे हैं, तो मैं सबको कहूंगा कि जो आपके पास है
उसके बेसिस पे ट्राई जरूर कर लीजिए, बिना बात के पहले से ही ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। और बताओ सिमरनजीत, बोलो क्या सवाल है? सर, जैसे मेरे पास अभी MBDS का सर्टिफिकेट है, उसकी तो एंडोर्समेंट लेटर वगैरह, मतलब बात तो की थी मैंने, मेल उनको भेजा था मैसेज, लेकिन उनका कॉल आया था उस पर, उसके बाद दोबारा कॉल नहीं आया, क्योंकि उन्होंने जस्ट एक साइन करने के लिए। मैं आपको दो ऑप्शंस दे सकता हूँ MBDS के। सबसे पहली बात तो ये कि आप बोलोगे कि आपने टूरिज्म स्कूल से की है, मैं कहूँ आप मुझे बताओ कि क्या मेरा सर्टिफिकेट जेन्युइन नहीं है। अगर MBDS आपको कभी ये बोल दे कि जेन्युइन नहीं है, हम आपकी पूरी फीस वापस कर देंगे, चलो ये बात वो नहीं बोलेंगे, ठीक है। दूसरा कि एंडोर्समेंट लेटर के लिए सिर्फ इंडिया MBDS को मत लिखो, स्पेन MBDS को भी लिखो। ओके, देन यू हैव अ हायर चांसेस कि आपको MBDS एंडोर्समेंट लेटर दे। जब आईटा मांग रहा है तो आप क्यों मना कर, जब आपका कोर्स जेन्युइन है, सब कुछ जेन्युइन है, ठीक है, प्रैक्टिकली आपने लाइफ सिस्टम के पर सीखा है, ठीक है, खैर सीखने की वैल्यू है वो एक अलग चीज है। तो आप दोनों को लूप में लें और फिर इनको अप्रोच करें, ठीक है सर। सर दूसरा, मेरे एक सिस्टर ने कोर्स किया था जो बेसिक का था, तो अब अगर मैंने मतलब प्रोसीड करना है आगे, तो मुझे कितनी फीस पे करनी पड़ेगी? इस कितनी फीस पे करनी है, इसका एक डॉक्यूमेंट आप लोगों को मिला था, ठीक है, और उसके अंदर मेरे ख्याल से 2 या 3 तारीख की डेट थी, ठीक है। अब उस डॉक्यूमेंट को हम रिवाइज करेंगे और कल तक आपको वो डॉक्यूमेंट भेज देंगे, उसके अंदर जो भी मिनिमम पॉसिबल फीस होगी वही आप पे कीजिएगा, ठीक है। अगर उनका पहले से CDS बेसिक नहीं आया है तो एडिटिंग के लिए मत अप्लाई कीजिएगा, पहले बेसिक के लिए कीजिएगा, ठीक है। जो फीस के अंदर लिखी हुई होगी उसी के अकॉर्डिंगली आपको चलना होगा, फीस में कोई नेगोशिएशन नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉफिट नहीं है। हमें ज़्यादा खुशी होगी कि अगर कोई ना, क्योंकि जब आप करते हो इतनी तो फीस ही नहीं है जितना टाइम इन्वॉल्व होता है इसमें, इस बात को जितनी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी ली जाती है। इसीलिए ये मैं आपको सबको क्लियरली बता रहा हूँ कि जो आपको डॉक्यूमेंट के अंदर एक बार फीस लिखी हुई मिलेगी वो चेंज नहीं, वो उतनी की उतनी रहेगी। उसके अंदर पहले से जो लॉस लिया जा सकता है उसको लॉस को लेकर ही आपको बताया जाएगा, ठीक है। ठीक है सर, तो ये जो आप डॉक्यूमेंट भेजोगे 17 के लिए भेजोगे, 17 अक्टूबर को जो होगा, सब कुछ ही लिखा होगा उसके अंदर, आप ज्यादातर सवालों के जवाब उसके अंदर। सर सर एक मैं एक और पूछना था कि जो मैं MBDS का है वो मैं MBDS से ही बातचीत करूं या फिर गैलीलियो का सेपरेट से कर लूं अलग से, या फिर गैलीलियो का कोर्स कर लूं? भाई मैं अपने एक्सपीरियंस पे आपको बता सकता हूँ कि ये आपके 3 महीने खराब कर देंगे, पर आपको देंगे नहीं एंडोर्समेंट लेटर। ओके, ये मेरा एक्सपीरियंस है, बाकी साथ के साथ ट्राई जरूर करते रहो, ठीक है। तो उसकी फीस मुझे पूरी पे करनी पड़ेगी? किसकी? गैलीलियो की। गैलीलियो की, क्योंकि आप पहले से हमारे फुल कोर्स के स्टूडेंट हो, उनों के लिए पहले ही फीस कम है, ठीक है। तो वो डॉक्यूमेंट में आपको लिखी हुई मिलेगी, उसके अकॉर्डिंगली ही पे कीजिए, ठीक है। ठीक है, ओके, बोलो सर। सर मेरे सर्टिफिकेट में गैलीलियो बेसिक है और मेरे डॉक्टर के में ऑटोमेटेड कोर्स, उसका एनीथिंग डिफरेंस बिटवीन? हाँ, क्योंकि आपका बेसिक का ही सर्टिफिकेट है, आपका अभी एडिटिंग का सर्टिफिकेट नहीं है, ठीक है, पर आप एलिजिबल हो एयर टिकटिंग के अंदर एडमिशन लेने के लिए। आपकी डॉटर का एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट आ गया है जो आप लोगों ने देखा आज, ठीक है, उसके अंदर जो लिखा हुआ है इसीलिए नाम डिफरेंट है, ठीक है। तो आप उसको अप्लाई पर दो चाहिए, क्योंकि क्योंकि अभी आपका नाम का नहीं आया, जब वो दोनों हो जाएंगे तो आप अपना आईटा अप्लाई कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, और बताइए और कोई सवाल? बोलिए राधिका। सर मेरा तो एनीवेज बेसिक कोर्स है, तो आज आपने मेरे को ये ज्वाइन कराने के लिए, बेसिकली ये बताने के लिए ज्वाइन करवाया है कि आई हैव टू डू आईटा एंड MBDS एंड गैलीलियो एंड एवरीथिंग। नॉट एट ऑल। व्हाट फॉर इट? आपको ऐसा लगता है कि मैं चाहता हूँ कि कोई एक्स्ट्रा कोर्स करे? नो, देन आई मीन मैं आई एम ऑफ सच एन ओपिनियन कि मैं आपको हमेशा ये चाहूंगा
कि आप पहले पैसे अर्न करें, बाद में उन्हें स्पेंड करें, ठीक है। आई बिलोंग टू अ मिडिल क्लास और मैंने पूरी लाइफ यही किया, मैं स्कूल टाइम से मैंने यही किया है, मैंने आज तक किसी से पैसे नहीं लिए, पहले अर्न किए हैं फिर स्पेंड किए हैं। आप जो कोर्स कर रही हैं वो सेल्फ सफिशिएंट कोर्स है, उसके बेसिस पर आप लोग एयर टिकटिंग कीजिए और आप ट्रैवल पैकेजेस अच्छी तरह से सीख रही हैं। जब आप ट्रैवल पैकेज करते हैं तो एयर टिकट का पार्ट एक हिडन पार्ट होता है, इसीलिए आप हायर अमाउंट में भी उसे बेच पाती हैं और प्रॉफिट कमा पाती हैं, ठीक है। तो जब तक आप जो आप सीख रही हैं उसके बेसिस पर आप कम से कम 2-3 लाख रुपए नहीं अर्न कर लेती, क्योंकि आप ट्रैवल पैकेजेस सीख रही हैं, आपको आईटा की तरफ नहीं देखना चाहिए। और ये मैं सबको बोलता हूँ, ये भी मैं आपको बता दूं, जितने भी लोग आईटा क्या कहते हैं अप्लाई कर रहे हैं वो उनके मुंह पर ये बात मैं बोल रहा हूँ, वो आईटा इसलिए अप्लाई कर रहे हैं क्योंकि वो सिर्फ एयर टिकटिंग पे ही 90% उनकी कंसंट्रेशन एयर टिकटिंग पर है और उन्हें मालूम है कि उनके फेयर तब रिड्यूस होंगे, टिकटें उनकी तब बेनिफिशियल होंगी जब उनके पास आईटा हो। कितनी जगह पे होटल भी तब बेनिफिट देता है जब आईटा होता है, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं जो सिर्फ वीजा कर रहे हैं वो हमें फिर बेनिफिट्स कब मिलेगा, कैसे मिलेगा फिर किस चीज का? दीज प्राइजिंग का ही, होटेल्स एंड एयर फेयर्स का? नहीं मिलेगा जब तक आपके पास जीडीएस और आईटा नहीं है, तब तक आपको एयर टिकटिंग के बहुत सारे बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। ये मैं आपको तो पहले से बता, बेसिकली जो रेट्स बाकी वेबसाइट्स पे शो होते हैं उसी पे ही हमें प्रोसेस करना उन्हीं पड़ेगा के या? बेसिस पर आपको प्रोसेस करना पड़ेगा, बाकी आपके रिलेशन पर डिपेंड करता है। जैसे कि आप एक कम्युनिटी का पार्ट हैं, हम आपको और कुछ लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं जिन्हों के पास आईटा है, उन्हों से आप, क्योंकि वो अगर आपका रिगार्ड करते हैं बीइंग द सेम स्टूडेंट ऑफ द सेम इंस्टीट्यूट, तो आप थोड़े बेनिफिट ले सकते हैं। और इस तरह का रिगार्ड थोड़े दिन ही चलता है, वो ज्यादा दिन तो कोई चलाता नहीं है। दैट इज द एक्सपीरियंस यू मस्ट ऑल्सो बी हैविंग, राइट। ओके, बोलिए एम सिंह, आप पूछना चाहती हैं बोलिए प्लीज। आप अपने आप को अनम्यूट कीजिए, आपकी आवाज नहीं आ रही है, आई कैन नॉट हियर यू। कोई सवाल? उसमें बेसिक है सिर्फ। सर मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ जी, नाउ यू आर अ लिटिल ऑडिबल, बोलिए। ओके सर, मुझे ये पूछना था सर, हमें जो कोर्स मटेरियल मिला है वो सिर्फ नोट्स मिला है, तो उसमें कुछ है नहीं जिससे कि मैं कुछ पढ़ पाऊँ? मुझे समझ में नहीं ऐसा आ रहा नहीं है कि आपको सिर्फ नोट्स मिले हों, आपको प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी जरूर मिली होंगी। सर। वो पहले मुझे मिला था, तो जब चेंज हुआ कुछ उसके बाद मुझे वही वो पढ़ एग्जैक्टली वही की वही रहेंगी और जी। वो बेसिक है, इसीलिए उन्हें सीखना जरूरी है। इसके ओके अलावा आपको एयर टिकटिंग के नोट्स और सैंपल पेपर मिला, ठीक है, दैट इज मोर देन सफिशियंट फॉर क्रैकिंग योर एग्जाम, बट उसको एक चीज और पढ़ेगी सही। पूछना था, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड ने किया था जीडीएस बेसिक का सर्टिफिकेट, उन्हें मिल गया है। एयर टिकटिंग का मुझे मिला है कि मैं दे सकती हूँ, एलिजिबल हूँ, पर वो है कि नहीं है वो मुझे पूछना था सर। वो एयर टिकटिंग के एग्जाम के लिए एलिजिबल है, ठीक है, उसके ओके लिए उन्हें एनरोल करना पड़ेगा। वो एनरोल करेंगे तो ऑब्वियसली हम उनको 17 अक्टूबर की या उसके आसपास की डेट देंगे और वो भी एग्जाम दे सकते हैं। तो सर इनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा? हाँ जी, इनरोलमेंट के लिए क्या करना होगा? एंडोर्समेंट के लिए, एनरोलमेंट इनरोलमेंट के लिए, इनरोलमेंट के लिए। के लिए उन्हें प्रोसेस मालूम है, आप सबको मालूम है कि आपके पास एक डॉक्यूमेंट आ जाएगा, मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, उसके अंदर जी। प्रोसेस लिखा होगा कि आपको क्या फीस अप्लाई हो रही है आपके ऊपर, ठीक है, उसके अकॉर्डिंगली आप फीस पे करके एनरोलमेंट कर सकते। ओके सर, सर उसने उन्होंने फीस तो पूरा पे कर दिया था, इसलिए मैं पूछ रही हूँ अगर आपने पूरी फीस पे कर दी है तो आप कुछ भी पे नहीं करना। जिन जी लोगों ने फीस पे की है, ठीक है, जी जिन्होंने एग्जाम नहीं हुआ, फीस पे की उन्होंने, ठीक है, पर जी उनका एग्जाम नहीं हुआ, तो उन्हों को हम दोनों के दोनों सर्टिफिकेट इंक्लूड कर रहे हैं, जी उसके अंदर हम लॉस जरूर ले रहे हैं। जिन्होंने पहले से फीस पूरी पे की थी और कोई डिस्काउंट का बेनिफिट नहीं लिया था, जो कि वैसे भी हम नहीं देते हैं, ठीक है, तो जी वो हम इंक्लूड कर रहे हैं, पर जिन्हों का वो गैप आ चुका है, ठीक है, उन्हों के लिए इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो गैप हमारी वजह से नहीं आया है,
ठीक है, वो स्टूडेंट भी थोड़ा स्लो रहे और आईटा ने भी चेंज कर दिया, ठीक है, तो पार्शियल बेनिफिट उन्हें जरूर मिल रहे हैं, फुल बेनिफिट उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, ठीक है। जी जी थैंक यू सर। वेलकम, बताइए नासरा मैम क्या सवाल है। आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है, और कोई कुछ पूछना चाहता है तब तक मैं और एक दो का सवाल ले लेता हूँ, तब तक आप अपना वॉइस कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है, फिर मैं सर दोबारा आपके पास आ जाऊँगा। सर मुझे एक चीज पूछनी है सर। जैसे मैंने जीडीएस एडवांस का कोर्स लिया है और जैसे अब यहाँ पे डिस्कशन चल रहा है कि जीडीएस बेसिक और एयर टिकटिंग, तो जीडीएस बेसिक बेसिक और एयर टिकटिंग डिफरेंट है या कुछ सेम ही होगा ना? मतलब वो शो भी आप जो कोर्स कर रहे हो, आप जो हाँ कोर्स कर रहे हो 3 महीने का, उसके अंदर आप सारा कुछ सीख रहे हो, ठीक ओके है, बट आप अमेडियस सीख, ठीक है, आप गैलीलियो भी जरूर सीख रहे हो, बट गैलीलियो का बेसिक सीख रहे हो, तो आपके कोर्स के अंदर आपको अमेडियस का सर्टिफिकेट मिल रहा है, ठीक है, और आपको गैलीलियो का सर्टिफिकेट मिल रहा है, गैलीलियो एयर टिकटिंग का सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है, ठीक है, तो वो कोर्स अलग से है सर। वो कोर्स अलग से, राइट, एयर टिकटिंग का कोर्स है अलग से, उसका एग्जाम है। हेलो सर हाँ जी बोलिए बोलिए हाँ बोलिए अंकुर। हाँ सर, मैं ये बोल रहा था जैसे कि सर मेरा जो सेशन है आईटा वाला वो एक्सपायर हो गया है अभी, जिसमें उन्होंने एंडोर्समेंट लेटर मांगा हुआ था, कोई बात नहीं, एक तो बार मैं उसके आपको खोल कर दिखाता हूँ, क्योंकि मुझे हाँ मालूम है कि आप इस चीज को लेके काफी परेशान रहे हो, मैंने आपको बहुत ज्यादा इसके अंदर गाइड किया है, ठीक है, हाँ सर बिल्कुल आपने सारा कुछ किया था, हमने वीडियोस वगैरह सब कुछ की, पर एक हाँ बार सर दोबारा से मैं आपको खोल कर दिखाता हूँ, ठीक है, हाँ सर सब लोग देख लीजिएगा, ये बहुत आसान है और इसकी हमारी पहले से रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है, पर फिर भी देखिएगा आप लोग, ठीक है, अभी आप लेट आए हो क्लास के अंदर अंकुर, ठीक है, ये हाँ तब सर तक हो चुका था, राइट, हाँ सॉरी सर, मैं बच्चे को कोई लेने बात चला गया नहीं था स्कूल। कोई बात नहीं, ठीक है, ये आईटा का पोर्टल है, ठीक है, अगर आप यहाँ तक कैसे पहुंचेंगे ये भी मैं आपको दिखाऊं, तो हम सीधा गूगल पर चले जाते हैं, ओके, जब हम गूगल पर जाते हैं तो यहाँ पर मैं aita.org लिख देता हूँ, राइट, यहाँ पर ये आईटा की साइट आ जाती है, ठीक है, आईटा भी एडवर्टाइजमेंट कर रहा है, देख लीजिए आप, राइट, और यहाँ पर हम सर्विसेज में देखते हैं, ठीक है, सर्विसेज के अंदर आपको ट्रैवल एजेंसी एक्रेडिशन मिलता है, हम एक्रेडिशन के ऊपर क्लिक क्लिक करते हैं, ठीक है, और अप्लाई फॉर एक्रेडिशन पर जाते हैं, ठीक है, कस्टमर पोर्टल पे जाना होता है हमारे, यहाँ से हम कस्टमर पोर्टल पर जाते हैं और लॉग इन करते हैं, लॉग इन ऑब्वियसली ये आप सब लोग जानते हैं क्योंकि हम इस तरह की दुनिया में हैं, सबको मालूम है कि साइन अप करना है, लॉग इन कर, तो ये मुझे आपको करके दिखाने की जरूरत नहीं है, मैंने पहले से लॉग इन किया हुआ है, तो यहाँ पर हम एक्रेडिशन क्रिएट एक्रेडिशन पर जाते हैं, जिन लोगों ने पहले से ये किया हुआ होता है उन्हों का यहाँ पर नीचे केस क्रिएट हो रखा होता है, देख रहे हैं यहाँ पर लिखा हुआ रहा है यू डोंट हैव एनी केसेस फॉर नाउ, ठीक है, तो आपका जो वो एक्सपायर हो गया है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, दोबारा से एक्रेडिशन एंड चेंजेस पर जाइए, यहाँ पर क्लिक कीजिए, क्लिक करके थोड़ा सा वेट कीजिए, ये आपके लिए ऑप्शन खोलेगा, जब आपने खोल लिया फिर से आप अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी कीजिए, दोबारा से आप अप्लाई फॉर अ न्यू हेड एंटिटी करेंगे, दोबारा से आप फॉर्म भरेंगे, तो अब आपको ये दोबारा इस पर ले आता है, जैसे कि ये हमने पहले देख लिया था, मैं यहाँ पर आईटा गो लाइट पिक कर लेता हूँ, ठीक है, इसको मैं देखिए यहाँ पर आप लोग सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं, इज द एजेंसी या जनरल सेल्स एजेंट, भाई नहीं है, आप आईटा लेने के लिए तो अप्लाई कर रहे हो, आप जनरल सेल्स एजेंट कैसे हो सकते हो, जनरल सेल्स एजेंट होना बहुत बड़ी बात होती है, ठीक है, चलो छोड़ो इसको, तो इसको हम नो करके
ऊपर हमने अपनी प्रोफाइल अगर कंप्लीट नहीं किया तो ये नेक्स्ट नहीं करता है, ठीक है। तो हमारे को अपनी प्रोफाइल क्रिएट करनी होती है पहले से, ठीक है, और फिर हम इसको नेक्स्ट कर लेते हैं, जैसे कि इसके अंदर हो ही गया, ठीक है। इसने आपको पूरे डॉक्यूमेंट बता दिए, थोड़ा सा डॉक्यूमेंट को समझ लीजिए, ठीक है। एप्लीकेशन गाइड, ठीक है, इन्होंने यहाँ पर दी हुई है। ट्रैवल एजेंट एप्लीकेशन की फीस जो मैंने आपको दिखाई वो भी इन्होंने दी हुई है। ये एग्रीमेंट हमें साइन करके देना होता है और ये भी हमें साइन करके देना होता है। इसे आप क्लिक कर लेंगे, ये पीडीएफ खुल जाएगा, ठीक है। तो ये अलग से खुल जाता है यहाँ पर, ठीक है। इसको आप ये देखिए ऐसे खुल गया है। अब आपको डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए? अगर आप एक बड़ी कंपनी है तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए। अगर आप एक छोटी से छोटी कंपनी अगर हम दिखा रहे हैं तो सिर्फ वैलिड पासपोर्ट और आईडी प्रूफ चाहिए। देख रहे हैं आप, ये सब आपसे नहीं मांगा जा रहा। आपसे कोई आर्टिकल ऑफ मेमोरेंडम नहीं मांगा जा रहा, कोई लायबिलिटी पार्टनरशिप नहीं मांगी जा रही। अगर आप एक प्रोप्राइटरशिप हैं तो आपको अपना आईडी प्रूफ देना है, ठीक है। आपको जीएसटी देना है, जीएसटी रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन के अंदर आप इनमें से कोई भी एक दे सकते हैं, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो यहां पर आप इनमें से कोई भी एक देंगे, उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फ्री में बन जाता है। ट्रेड रजिस्ट्रेशन, शॉप एस्टेब्लिशमेंट मैंने क्लास में इंस्टेंटली करके दिखाया हुआ है, फ्री में डाउनलोड हो जाता है, ठीक है। पर्सनल सर्टिफिकेट, तो यहां पर आपको ये हमेशा चेक करना होता है, हम क्या बोल रहे हैं, कोई दुनिया क्या बोल रही है। भाई करना तो वही पड़ेगा जो आयटा कह रहा है। आयटा ने टू कर दिया तो ये टू ही होगा ना। आयटा ने लिख दिया ना कि आपके पास क्या कहते हैं एयरलाइन टिकटिंग कोर्स का सर्टिफिकेट चाहिए, और वो भी दो, ठीक है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी द लेवल एंड मैंडेटरी सैंपल टैक्स, तो ये कुछ भी नहीं है। इंग्लिश ट्रांसलेशन, हम लोग इंडियंस हैं, हमारे लिए ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रैवल एजेंट हैंडबुक आपको ऑब्वियसली साइन करके देनी है, और आप इसको नेक्स्ट करके फॉर्म भर देते हैं, ठीक है। तो यहां पर ये जो आपको दिखा रहा है इनसफिशियंट प्रिविलेजेस, ये इनसफिशियंट प्रिविलेजेस भी बड़ी ही कॉमन क्या कहते हैं एरर है, और ये एरर इसलिए आती है जब तक हमने अपनी प्रोफाइल पूरी की पूरी फिल नहीं, जब तक हमने उसके अंदर अपना रोल नहीं मेंशन किया है, तब तक ये इनसफिशियंट दिखाता है। जब हमने उसे कंप्लीट कर लिया, जब आप साइन अप करोगे तो वो आपको कहेगा कि अपनी प्रोफाइल पहले कंप्लीट करो, ठीक है। तो पहले अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर लें, और फिर उसके बाद ये एक छोटा सा फॉर्म खोलेगा। जब आप फॉर्म भर दोगे तो आपका नाम नीचे आ जाएगा, वहां पर एडिट का साइन होगा जो पेंसिल होती है, ठीक है, उसके ऊपर आप टिक करोगे, ठीक है। तो वो एक और फॉर्म खोलेगा, उसको भी आप फिल करोगे, तब जाके आपका प्रोसेस कंप्लीट होगा, और फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे। जब आप अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दोगे वो एक्सेप्ट कर लेगा और एक केस नंबर जनरेट कर देगा। आपके पास ईमेल के ऊपर उसका क्या कहते हैं एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा कि हाँ जी ये केस क्रिएट हो गया है, और अब आप लॉग इन करके उस केस को देख सकते हो कि उन्होंने क्या रिप्लाई किया। आप डॉक्यूमेंट्स गलत डालोगे वो आपको बताएंगे कि हाँ जी गलत, वो प्रोसेस चेंज कर देंगे, वो आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप उसे ठीक करोगे, तो आप उसको ठीक करते जाओगे। जहां आपको कहीं बहुत दिक्कत आएगी कुछ समझने में, ऑब्वियसली वी आर अवेलेबल, ठीक है। ये जो पीछे पीरियड गया है मैं जानता हूं, मैंने कई स्टूडेंट्स को रिप्लाई नहीं किया क्योंकि क्लैरिटी ही नहीं थी, समझा फिर भी रहे थे हम, टाइम फिर भी ले रहे थे, और आज ये सेशन इसीलिए किया गया है ताकि हम आपको क्लियरली ये चीजें मेंशन कर सकें, ठीक है। तो हम इसमें कुछ नहीं कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको गाइड कर रहे हैं। इसकी वजह से मैं जानता हूं, इस बात का मुझे बहुत दुख है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स के अब बहुत नुकसान हुआ क्योंकि उन्हें ज्यादा फीस पे करनी पड़ी है, हमारा उससे कहीं ज्यादा नुकसान। आप जो फीस पे कर रहे हो सर्टिफिकेशन के लिए कर रहे हो, हम उसमें कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा टाइम हमारा लग चुका है। क्योंकि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा, आप डाउट क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारे को आपको सेटिस्फाई करने के लिए ज्यादा टाइम लगाना पड़ता है। कुछ स्टूडेंट इस क्लास के अंदर हैं जो इस बात को टेस्टिफाई कर सकते हैं कि हम आउट ऑफ द वे भी जाते हैं स्टूडेंट को सेटिस्फाई करने के लिए। जाते हैं कुलविंदर जी की नहीं जाते हैं? बिल्कुल सर, बिल्कुल जाते गुरजीत हैं। भी बता सकती हैं ये बात, ठीक थैंक यू है। सर। तो पूरी कोशिश हमारी होती है कि हम आपको सपोर्ट करें, ठीक है। जहां आप
मैं हर एक किसी की बात नहीं कर रहा, जहां पर कोई स्टूडेंट ही उस चीज के एडवांटेज देने लग जाए तो सपोर्ट करना मुश्किल हो जाता है। राइट, और कोई सवाल बोलो सर, मेरा क्वेश्चन है कामिनी। सर, जो जैसे मैंने गैलीलियो के कोर्स के लिए साइन अप किया है जो प्री रिकॉर्डेड है, तो उसमें उसमें तो एडिटिंग का ही सर्टिफिकेट मिलेगा ना हमें? आपने कब इनरोल किया है और आपने कितनी फीस पे की है, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक ओके है, क्योंकि अगर ये आपने 1 महीने पहले इनरोल किया जब काफी कम फीस थी, जब सिर्फ बेसिक मिल रहा था, तो वो आपको अपग्रेड नहीं कर रहा हो। अगर आपने फीस बढ़ने के बाद किया है जिसके अंदर सारे सर्टिफिकेट आ रहे हैं, देन ऑब्वियसली आपको वो सब कुछ मिलेगा। ठीक है, वो एग्जैक्टली वैसे का वैसा लिखा हुआ है वेबसाइट के ऊपर। जब कोई चेंज होता है, या तो हम वेबसाइट पे वहीं के वहीं मेंशन कर देते हैं, नहीं तो उसका आर्काइव क्रिएट किया जाता है, उसकी एक वीडियो बनाकर हम अपने पास रखते हैं कि अगर कोई ये कहे कि ये पहले कुछ और था, वो वीडियो हम दिखा के कभी भी प्रूव कर सकते हैं कि पहले क्या था और अब क्या। ठीक है, और कोई सवाल? ठीक है, तो आप लोगों के पास जिनों के एग्जाम हैं और ज्यादा क्लैरिटी में डिटेल आ जाएगी कि जिनों का जीडीएस बेसिक है, मेरी कोशिश ये है कि उन्हों का एग्जाम 3-4 दिन पहले पहले बेसिक का लिया जाए, या 2 दिन पहले बेसिक का लिया जाए और फिर एयर टिकटिंग का लिया जाए। ठीक है, जिनों का किसी भी कारण से अभी तक वो पेंडिंग चल रहा है, सबका एग्जाम होगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, और जो आयता कह रहा है उसके अकॉर्डिंगली आप फॉलो कीजिए, हम सपोर्ट आपको करते रहे। आई होप आई हैव आंसर्ड एवरीवन क्वेश्चंस। अभी भी किसी का कोई सवाल है तो प्लीज पूछ लीजिए। बोलो सर, एक मेरा क्वेश्चन है सिमरन। सर, जो मैंने मीडियस का कोर्स किया था तो उसमें गैलीलियो का इंक्लूडिंग कर, आप बोल रहे हो कि उसमें हो जाए इंक्लूडिंग टीडीएस का जो बेसिक ये कोर्स है गैलीलियो का? आपकी जो टीचर हैं, आप उनसे बात करो। ठीक है, आपने अभी तक क्या क्या फीस पे की है, उसका बेनिफिट आपको मिल चुका है या नहीं मिला है, वो उसके अंदर पता चल जाएगा। किसी से भी कोई डिफरेंट ट्रीटमेंट नहीं है, सबके लिए सरोज सेम मैडम ही से रहेगा। बात, ठीक हाँ, सरोज मैम से आप बात कर सकते। ठीक है, ठीक है सर, ओके, है, और कोई कुछ पूछना चाहे? नासरा मैम, आप एक बार पूछना चाहेंगी, नहीं तो चैट पर लिख दीजिए मैम। अगर किसी कोई अगर बोल नहीं पा रहा है या किसी की आवाज नहीं आ रही है, तो आप चैट पर लिख सकते हैं, यहाँ पर कुछ सवाल आए भी हुए हैं। सर, कुड यू प्लीज लेट नीलाक्षी ज्वाइन द क्लास? ऑब्वियसली आई कैन लेट एनीवन ज्वाइन द क्लास इफ दैट पर्सन इज कीपिंग द कैमरा ऑन। नीलाक्षी नीलाक्षी 3 बार 4 बार क्लास के अंदर आई, बार बार उन्होंने कैमरा ऑफ रखा। इवेंचुअली मैंने 3 बार तो उनको वेटिंग रूम में डाला, चौथी बार मैंने उन्हें रिमूव कर दिया। रिमूव मैंने किया, ठीक है, तो मैं साफ साफ बोल रहा हूँ। सो ऑनलाइन क्लास के रूल्स फॉलो करना जरूरी है। ठीक है, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, और भी कोई सवाल हो तो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं।